हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय कुमार द्विवेदी और मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर। बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 की सेकंड बुक एन एलियन हैंड का फर्स्ट चैप्टर द टाइनी टीचर को कवर करेंगे। बच्चों, इस लेसन की रीडिंग करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, क्या आप बता सकते हैं कि टीचर कौन है? जी हाँ बच्चों, टीचर वो है जो हमें विजडम देता है, हार्डवर्क करना सिखाता है, मोटिवेट करना सिखाता है, अपने लाइफ के गोल को अचीव करना सिखाता है। लेकिन क्या टीचर सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग ही हो सकता है? नहीं बच्चों, हमारे नेचर में बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स हैं, बड़े भी हैं छोटे भी हैं, जो हमें मोटिवेट करते हैं हार्डवर्क के लिए और सिखाते हैं जीवन जीने का तरीका। तो जैसा कि आज हम लोग लेसन को कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है द टाइनी टीचर, इस लेसन में बताया गया है एक छोटी सी आंट के बारे में। आंट से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है? जी हाँ बच्चों, आंट हमें सिखाती है हार्ड वर्क, आंट हमें सिखाती है डिसिप्लिन और आंट हमें सिखाती है कि किस तरीके से सक्सेस अगर लाइफ में नहीं होते हैं उसके बाद भी हम लोगों को लगातार कठिन परिश्रम करना चाहिए और एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग अपने गोल को जरूर अचीव करेंगे। बच्चों, ये स्टोरी एक आंट की है, एक आंट के बारे में इस बताया गया है। लेकिन आज मुझे स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की एक कविता की कुछ लाइनें याद आ रही हैं। मैं चाहता हूँ कि इन चार पंक्तियों को आपके साथ शेयर करूँ। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत अच्छी बच्चों ये कविता स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी थी। और जब भी आप ये कभी दुखी हो, मायूस हो, तो इस कविता को जरूर गुनगुनाइएगा, पढ़िएगा, आपके रगों में वाकई में एक संचार हो जाएगा, अद्भुत अनुभूति होगी। और चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज के लेसन को, द टाइनी टीचर। बच्चों, क्या आपको मालूम है कि सबसे स्मॉलेस्ट इंसेक्ट कौन सा है? जी हाँ बच्चों, कुछ लोग तो कहेंगे कि फ्लाई है, हाउस फ्लाई है, जो मक्खी हम लोगों के घर में होती है, कुछ लोग कहेंगे मॉस्किटो है, और कुछ लोग कहेंगे, हो सकता है ये भी कहें कि वॉर्म है। जी नहीं बच्चों, सबसे छोटा जो इंसेक्ट है वो है आंट, यानी कि चींटी। सभी के घरों में आंट तो होती है, मुझे मालूम है आप सभी लोगों ने आंट को देखा ही होगा। और आंट टू टाइप्स की होती है, ब्लैक एंड रेड। बच्चों, रेड वाली आंट तो बहुत खतरनाक होती है, जरा सा भी आपने टच किया तो तुरंत बाइट करती है। लेकिन जो ब्लैक वाली आंट होती है वो थोड़ी सीधी होती है, वो बाइट जल्दी नहीं करती है। तो इन आंट्स की जानकारी करने के लिए बहुत सारे लोगों ने इन आंट्स को अपने घर में पाला और इनकी डेली एक्टिविटीज़ को नोट किया। तो डेली एक्टिविटीज़ को नोट करने के बाद बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आई। बच्चों, आपने देखा होगा कि जैसे बिल्ली को आपने देखा होगा ना, इसकी नोज़ के पास छोटे छोटे बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं लंबे लंबे, इसी तरीके के जो आंट्स होती हैं इनकी चेहरे पर, फेस पे भी एंटीना होते हैं जिन्हें फीलर्स कहा जाता है। लेकिन आखिर ये फीलर्स एंटीना होते किस लिए, क्या आपने इस पर कभी ध्यान दिया? मैं बताता हूँ आपको, ये एंटीना जो फीलर्स होते हैं, आपने देखा होगा कि दो जो आंट्स हैं एक पाथ पे चल रही हैं और आपस में आकर टकरा जाती हैं, आपको ऐसा ही लगता है ना कि ये आपस में टकरा गई हैं, लेकिन नहीं बच्चों, ये टकराती नहीं है, ये आपस में फीलर्स जो इनके होते हैं, ये फीलर्स को आपस में एक दूसरे से टच करते हैं और एक दूसरे को मैसेज देते हैं, ग्रीट करते हैं, अभिवादन करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बच्चों,
आपस में ग्रीट करते हैं ना, प्रणाम सर। तो इसी तरीके से ये जो आंट्स होती हैं ये भी आपस में एक दूसरे को ग्रीट करती हैं। और ये जो आंट्स जहाँ पर रहती हैं इन्हें कहा जाता है आंट हिल। छोटे छोटे बिल आपने देखे होंगे ना, ये ज़मीन में छोटे छोटे बिल बना लेते हैं, इन्हें बोलते हैं आंट हिल। और इसमें सैकड़ों रूम होते हैं, सैकड़ों कमरे होते हैं और सैकड़ों पैसेजेस होते हैं, पाथ होते हैं जिन पर ये फीलर, ये जो आंट होती हैं चलती हैं। और ये अपना पाथ कभी नहीं बदलते हैं। इसी से हमें सीखने को मिलता है इनका डिसिप्लिन, अनुशासन। जिसे जो काम दिया जाता है वो अपने काम को पूरी तरीके से वफादारी से सिंसियर होके अपने काम को करता है, इसे बोलते हैं डिसिप्लिन। तो एक चीज़ हम लोगों को आंट से डिसिप्लिन भी सीखना चाहिए, जिसे जो काम दिया जाता है पूरी ईमानदारी के साथ में अपने काम को करता है। और इन जो आंट्स होती हैं इनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं इन्हें बोलते हैं ग्रब्स। और आंट्स हजारों होती हैं, एक बिल में सैकड़ों हजारों आंट्स होती हैं। इनमें कुछ वर्कर्स भी होते हैं, कुछ सोल्जर्स भी होते हैं। वर्कर का काम होता है खाना ढूंढ के लाना, जो इनकी डेली रूटीन का काम है। ज़्यादातर टाइम इनका खाना ढूंढने में ही जाता है। वर्कर्स का काम होता है सिर्फ खाना ढूंढ के लाना और उसे स्टोर करना। और ये आंट्स जो होती हैं इनके बिल में कुछ सोल्जर्स भी होते हैं। सोल्जर का काम होता है सेफ्टी रखना, बाहर से अगर कोई इंसेक्ट आ रहा है, दुश्मन आ रहा है, तो उसे मार के भगाना। और क्वीन आंट भी इन्हीं के बिल में रहती है। और सबसे खास बात बच्चों ये है कि वर्कर्स अपना काम करते हैं और सोल्जर्स अपना काम करते हैं। वर्कर का काम होता है खाना ढूंढ के लाना और सोल्जर का काम होता है सेफ्टी रखना, सिक्योरिटी करना, सुरक्षा देना। ये कभी भी अपने काम को बदलते नहीं हैं, जिसका जो काम है अपने काम को किया करते हैं। तो बच्चों आंट से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिलती हैं। हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में और भी चीज़ों को जानेंगे आंट के बारे में। हम लोगों ने आंट को देखा तो है लेकिन इतनी डीपली नॉलेज इस चैप्टर में दी गई है, जिसे पढ़ने से पहले वाकई में मुझे भी इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ये जानकारी बहुत अच्छी लग रही होगी। सेकंड पार्ट में कुछ मैं ऐसी बातें बताऊँगा जो आपने सुनी भी नहीं होंगी इन छोटी सी आंट्स के बारे में। तो जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि अगर सीखना ही है तो एक टाइनी क्रिएचर से, नेचर के जो टाइनी क्रिएचर है, इससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। डिसिप्लिन सीखना चाहिए, अनुशासन सीखना चाहिए, विजडम सीखना चाहिए और ईमानदारी से अपने काम को किस तरीके से किया जाता है ये भी सीखना चाहिए। और बाकी की जानकारी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। हालांकि ये पूरा चैप्टर एक साथ दे रखा है लेकिन वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं इसे टू पार्ट्स में बना रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपने इतनी जानकारी को बहुत अच्छे से समझा होगा। और हमेशा की तरह मैं फिर से यही बात कहूँगा, अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन पर बात भी कर सकते हैं, ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हैं, किसी भी तरीके से जैसा आपको सूटेबल हो आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। बच्चों इसी के साथ ये फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ और नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड एंड लास्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।